हाँ एक बात और सुनो, एक बात बताता हूँ तुमको। एक बार रात को 2:30 बज रहे होंगे, मैं अपने थाने की फोर्स के साथ गश्त पर जा रहा था, तभी मेरे मुखबिर का फोन आया। मुखबिर तो जानता होगा। हाँ हाँ जी, तुझसे पूछ रहा हूँ, मुखबिर तो जानता होगा। मुखबिर? हाँ जी। हाँ तुम गांव के लोग मुखबिर तो जानते ही होगे। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, मुखबिर बोला, साहब गंगा किनारे के जंगल में शमशेरा गैंग के 2-4 आदमी हैं। शमशेरा को भी जानते हो या नहीं? शमशेरा जी? हाँ तुम लोग क्या जानो, ये तो बड़े लोग जानते हैं या पुलिस जानती है। शमशेरा? अरे वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है। हाँ वही 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 मालूम है ना। तो शमशेरा ग्रुप के 3-4 आदमी, इतना मेरी सुनते ही फोर्स मेरी सर पर पैर रखकर भाग गई। फिर क्या वादा माजी? फिर क्या माजी, मैंने कहा भागना है कारो भाग जाओ, बलदेव सिंह शमशेरा के आदमियों से अकेला लड़ेगा। फिर क्या हुआ जी? जाजी तुम अकेले उससे मुकाबला करने चले गए? बलदेव सिंह नाम है मेरा, बलदेव सिंह, बलों का देव। क्या बात है जीजा जी, आप तो बड़े बहादुर निकले। और के तुके मारे जीजा को ऐसी समझा? अरे जीजा और बताओ आगे के होया? तुम तो जानती हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अरे चुप हो जाओ, तुम आगे बताओ जीजा जी क्या होया। आगे क्या होना था, जैसी मैं गंगा के किनारे के करीब पहुंचा, वहाँ मेरा मुखबिर मिला। वो कहने लगा, साहब मेरी सूचना ये थी कि 2-4 लोग हैं, मगर यहाँ तो शमशेरा खुद, शमशेरा अपने आदमियों के साथ है, 25-30 आदमियों के साथ है। बस मैंने भी सोच लिया, बलदेव सिंह इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता, पूरा गैंग साफ कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ सरकारी रिवॉल्वर और उनके पास AK-47 और वो AK-37, AK-56। AK-56 जानता है? हाँ जी AK-56। अरे ये राइफल का नाम है, किसी गन्ने के बीज का नाम नहीं है। और इन लोगों के पास चाइना का माउजर, त्रिशूल, अग्नि, न जाने कौन कौन से हथियार, मैं नाम भी नहीं बता पा रहा। और यहाँ तक कि उनके पास ड्रोन, उससे भी लगातार गोलियां चली। मैं डटा हुआ मैदान से नहीं भागा, मैं बोला बलदेव सिंह नाम है मेरा, एक एक को गैंग को पूरे साफ कर दूंगा। लगातार बढ़ रहा है, वो इधर मैं उधर, वो ऊपर मैं नीचे, ऊपर ड्रोन और मैं दाएं बाएं, धड़ाधड़। उसके बाद अरे जीजा जी कहाँ सोओगे? ये कहाँ सोएगा, ये तो ऊपर सोएंगे। हाँ ये तो लोग खुले में सोते हैं, मेरा एक काम कर, इस कमरे में कूलर तो होगा। अरे कूलर तो हमने सुबह ही लगा दिया। हाँ तुम लोगों के पास एसी उसी तो है नहीं, इसी में कमरे में बिस्तर लगा दे। अरे क्या कर रहे हो सब, खाना वाना खिलवाओ, रात में पंचायत जोड़ रखी है। हाँ भाई ये सब उठा और गाड़ी में से ले आना। ठीक है ले आऊंगा। हाँ भाई आजा। नहीं जी मैं तो खाना खाऊंगा। हाँ तुम लोग तो खाना ही खाते हो, तुम कौन सा ड्राई फ्रूट खाओगे? आप चलिए। हाँ जी चलो। कोई आओ तो सही, किधर है भाई? इसे मत छेड़, मैंने जीजू के लिए काट के रखे हैं, बिना सलाद के खाते नहीं है। अरे कहाँ रह गया तेरा छोटा जीजा, उसको भी बुला लेता। अरे आओ आओ, मैं सोच रहा था कि तुम भी 2-4 पैक ले लेते। ना जी बस मैं तो सोऊंगा, रोटी खाया है। हाँ पर तुम छोटे लोगों को बड़े लोगों में बैठने की तमीज कहाँ है, बस आए चून पर टूट पड़े फिर भी 2 पैक ले लेते। बस जी। हाँ हाँ ये अमीरों के शौक हैं, आज मैंने तुझे पिला भी दी तो कल कहाँ से पिएगा, ये तो अमीरों के शौक हैं। चल सो जा,
सुबह तुझे गन्ने भी तो खोदने होंगे। चल निकल, चल निकल। चला आता है।